हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुतिका, कुक विद श्रुतिका में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी पिज़्ज़ा कप्स। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ अगर आपको जाननी हो तो कुक विद श्रुतिका को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो एक बोल में हम लेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कप बारीक कटा हुआ टमाटर, आधा कप पनीर, इसको हमने क्यूब्स में काट लिया है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, स्वादानुसार नमक डालेंगे हम इसके अंदर, और थोड़ा सा ओरिगैनो और एक टेबलस्पून के करीब टोमेटो सॉस। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे तो ये हमारा जो स्टफिंग है पिज़्ज़ा का वो तैयार है। अभी हम ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसके जो ये किनारे हैं ना वो हम निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम सारे ब्रेड स्लाइसेस को तैयार कर लेते हैं। तो सारे ब्रेड स्लाइसेस हमारे तैयार हैं और मैंने मफ़िन ट्रे लिया है जिसको मैं मेल्टेड बटर से ग्रीस कर रही हूँ ताकि ये जो कप्स हम बनाने वाले हैं वो बाद में आसानी से निकल पाए। ये माइक्रोवेव सेफ मफ़िन ट्रे है और ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी हम एक साइड में मेल्टेड बटर लगाने वाले हैं, और जहाँ पे ये बटर लगाया है वो साइड हमें नीचे करना है, और इस तरह से रख के हमें इसको धीरे धीरे से प्रेस करते हुए इसका कप बनाना है। ज़्यादा ज़ोर से हमें प्रेस नहीं करना है क्योंकि ब्रेड सॉफ्ट होता है तो वो टूट सकता है। तो इस तरह से हम सारे कप्स बना लेते हैं। अभी ये जो स्टफिंग बनाया था हमने उसमें मैं चीज़ सॉस डालने वाली हूँ एक टेबलस्पून के करीब। तो ये मैं जो वीबा का चीज़ सॉस होता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस स्टफिंग को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो कप्स हमने बनाए हैं उसके अंदर हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये पिज़्ज़ा सॉस डाल के हम स्पून की सहायता से इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो सारे कप्स में हम ये पिज़्ज़ा सॉस डाल लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे एक से डेढ़ टेबल स्पून के करीब ये स्टफिंग। अच्छे से भरना है हमें इसको ऊपर तक, सारे कप्स में हम इसको फिल कर लेंगे ये स्टफिंग को, और ऊपर से हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ चीज़। ये जो नॉर्मल चीज़ ब्लॉक होता है उसको मैंने ग्रेट किया है, और इसको हम रखेंगे माइक्रोवेव के अंदर 6 से 7 मिनट के लिए जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाता। तो ये देखिए, इसको हमने माइक्रोवेव से निकाल लिया है और हल्का सा ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है, तभी हम इसको स्पून की सहायता से इस तरह से निकाल लेंगे और ऊपर से डालेंगे चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। तो ये हमारे गर्मा गर्म पिज़्ज़ा कप्स तैयार हो चुके हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे आपकी प्रतिक्रिया नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।